सो गाइस 17 जनवरी 2022 को सेंसेक्स ट्रेड हो रहा था 61,000 पे, एंड अगर आज की बात करें तो आज ट्रेड हो रहा है 52,000 के आसपास। आज ऑलमोस्ट 1491 पॉइंट्स गिरा है, एंड सेम विद निफ्टी, ऑलमोस्ट 2.5% गिर के क्लोज हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ 17 जनवरी एंड आज मार्च में 7 मार्च के, तो ऑलमोस्ट 8,500 पॉइंट का करेक्शन है सेंसेक्स में। बड़े मार्केट गिरा क्यों है, उसका रीज़न क्या है, एंड आप ये गिरते हुए मार्केट में से पैसा कैसे बना सकते हो, तो आइए हम वो जानते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस एंड कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो फर्स्ट रीज़न ऑब्वियसली रशिया एंड यूक्रेन का वॉर है, तो उस वजह से काफ़ी मार्केट इम्पैक्ट पड़ता है। अब ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। बट अगर आप वर्ल्ड इंडाइसिस देखो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इंडियन इंडाइसेस कम गिरे हैं एज कम्पेयर टू यूरोपियन इंडाइसेस एंड यूएस इंडाइसेस। ओके, अब आज इतना मार्केट क्यों गिरा है, तो गाइस रशिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यू नो एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। ओके, तो काफ़ी क्रूड ऑयल देता है पूरे वर्ल्ड में। तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है दैट इज़ ऑलमोस्ट $130 पर बैरल करेंटली बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन। एंड ऑब्वियसली इम्पोर्टिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अब इंडिया काफ़ी ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट करता है, तो इम्पोर्ट कर रहे तो हमको पैसा बाहर देना पड़ेगा कोई चीज़ पे, हम जब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो अगर प्राइस बढ़ता है तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। उस वजह से हमारा फिस्कल बजट, जो कि हमारे इनकम एक्सपेंसेस होते हैं एक बजट के, वो काफ़ी वोलेटाइल हो जाते हैं, उस वजह से हमारा नेशनल बजट हिल जाता है। ये एक वन ऑफ द रीजंस है। दूसरा रीज़न है बिकॉज ऑफ दिस क्रूड ऑयल सर्ज इन प्राइसेस, डॉलर रेट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड। सो अगर मैं USD INR का रेट की बात करूँ तो करंटली हम यू नो $1 इज इक्विवेलेंट टू समवेयर 76-77 के आसपास चला गया है करंटली। अगर प्रिसाइसली बात करो 76.79 चल रहा है करंटली। तो गाइस डॉलर जब भी यू नो रुपी जब भी डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है एंड इम्पोर्टर्स को नुकसान होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा मार्केट गिर रहा है। बट अब इसका पॉजिटिव साइड देखते हैं, अगर ये जो ऑयल प्राइस इतने बढ़ गए हैं तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, जो कि ऑयल एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई करती है पेंट कंपनीज को या स्टील कंपनीज के अंदर या मोटर्स के अंदर, ठीक है, जो खुद प्रोड्यूस करती है ऑयल, वो काफ़ी गेन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गेनर है ONGC। यस गाइस, ऑलमोस्ट अ वीक पहले जब ये वॉर चल रहा था ONGC कुछ 157-158 के आसपास चल रहा था, हमने ये बाय कॉल दिया था काफ़ी सारे क्लाइंट्स को, एंड आज इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 180 लेवल्स, 180-181 के आसपास चला गया है, एंड आज के दिन वो ऑलमोस्ट 21 रुपीज़ से बढ़ा है गाइस। तो ये एक सोचने वाली बात है, बिकॉज जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आप घबराइए नहीं, आप उसका रीज़न पता करो कि ऐसा क्यों हुआ है। तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो एक है, बट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उनको फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज प्राइस बढ़ा तो इनका ये किसी को देंगे तो इनको भी ज़्यादा अर्निंग होगी। तो ONGC इज़ वन वेरी गुड कंपनी जो कि ये ऑयल प्राइसेस सर्च के वजह से पैसा काफ़ी बना रहा है, एंड ये उसके स्टॉक प्राइस के अंदर क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से, एंड बिकॉज डेप्रिसिएशन इज़ गुड फॉर द एक्सपोर्टर्स, तो जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती है वो काफ़ी गेन कर रही है। तो अगर आप देखोगे आज इन्फोसिस ऊपर था, बिकॉज IT कंपनीज, इन्फोसिस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, डॉलर गिरा, यू नो रुपी डेप्रिशिएट हुआ, तो डेफिनेटली वहाँ पे गेन आ जाता है, ठीक है। तो रीज़न पता करना काफ़ी ज़रूरी है कि यार अगर ये क्रूड ऑयल एंड USD INR का जो एक दो नेगेटिव रीजंस जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वन साइड, बट क्या ये एक गिरते हुए मार्केट में भी मैं पैसा कमा सकता हूँ कि नहीं। जैसे इंडसइंड बैंक, आज उसका शॉर्ट सेलिंग काफ़ी चल रही थी, तो बैंकिंग सेक्टर डाउन था, बट आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हो। शॉर्ट सेलिंग का वीडियो देखना है तो हमारा एक ऑलरेडी वीडियो आया हुआ है YouTube पे, आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगा बीच में। तो शॉर्ट सेलिंग भी आप कर सकते हो कि गिरते हुए मार्केट में पैसा बना सकते हो।
या पहले उसको बेच दो बाद में उसे खरीदो। तो ये सब रीजंस हैं जो कि काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। एंड अगर आप ये रीजंस ऑब्जर्व करो तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिख जाएंगे जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। तो हमने आज ONGC में, इंडसइंड बैंक में काफ़ी पैसा बनाया अपने क्लाइंट्स के लिए। सो गाइस, गिरते हुए मार्केट में भी अगर पैसा बनाना सीखना है तो मार्केट फंक्शन कैसे करता है, अगर कुछ इम्पैक्ट होता है ग्लोबली तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम पैसा कैसे बना सकते हैं, ये सीखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एंड अगर आपको जेन्युइनली ये सब सीखना है तो आप हमारा एक स्टॉक मार्केट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो सिर्फ 2 दिन चलता है। एंड ये 2 दिन के अंदर हम आपको फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के काफ़ी बेसिक नॉलेज देते हैं, जो कि आपको इतना तो आपको आप सीख जाओगे कि आप एटलीस्ट एक मार्केट में पैसा बना सको। इंट्राडे कैसे कर सकते हो आप उसके अंदर, शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हो, कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए, प्री मार्केट सेशंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप जान सको। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इन्फिनाइट फाइनेंशियल एकेडमी। एंड गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि मार्केट गिरने से क्या इम्पैक्ट होता है एंड कैसे पैसे बनाओ। तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। थैंक यू।